अरे भाई ये सब क्या हो गया? हमें जो उम्मीद थी भाई अगेन ऐसा नहीं हुआ। कल की 2898 AD की बात है वो करने वाले हैं, और कुछ ऐसी न्यूज़ भी है। हाँ एपिसोड थोड़ा सा भाई लंबा हो सकता है, जो मैंने आपसे को भाई 3-4 दिन पहले बता दिया था कि आगे ऐसा होने वाला है, जो कि भाई बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कल भाई डायरेक्टर डे दिन था, तो हमें लगा था कि यार अल्लू अर्जुन प्रवास हमें एक ही स्टेज में दिखाई देंगे तो मज़ा थोड़ा नेक्स्ट लेवल का आएगा, एक दूसरे की भाई तारीफ़ करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे एंड फैंस भी भाई। बट हमें भाई ऐसा देखने को नहीं मिला। कल सुबह ही कन्फर्म हो गया था कि अल्लू अर्जुन तो आएंगे ही आएंगे, बट प्रवास का भाई कन्फर्म नहीं था। एंड जब हमने कल शाम को देखा कि सिर्फ यार अल्लू अर्जुन, यहाँ पे नानी भी आए थे मेरे ख्याल में, बाकी नज़र कोई एक्टर हमें दिखाई नहीं दिया। हाँ वैसे डायरेक्टर डे था तो एक्टर की हम उम्मीद भी काफ़ी कम ही कर रहे थे, बट शायद प्रवास आ जाते यार, चांसेस तो थे उनके भाई, उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाई प्रवास का पता नहीं किया यार, वो इलेक्शन के टाइम भी दिखाई नहीं देते, बाकी नर भाई बोर्ड दिया सभी ने, यूनियन एनटीआर स्पेशल मुंबई से गए, रामचरण हमें दिखाई दिए, चिरंजीवी हो या फिर अल्लू अर्जुन क्यों ना हो, विद अनदर एक्टर क्यों ना हो, बट प्रवास यार वो तो इलेक्शन के टाइम भी दिखाई नहीं देते हैं। भाई वो अपनी लुक को भाई इतना हाइड हाइड क्यों रहते हैं? भाई कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो भाई गड़बड़ी है दया। शायद वो अपनी लुक में काम कर रहे हो एंड जब उनको पता है कि भाई हम इंटरव्यू दे रहे हैं, तब भाई वो अपनी जो उनकी नॉर्मल लुक है उसमें सामने आ जाते हो। मे बी यार कुछ तो है यार, ऐसा नहीं हो सकता। चलो जो भी है, हमने कल अल्लू अर्जुन को देखा सिर्फ, और अल्लू अर्जुन का गाइस जो वेलकम हुआ एज अ पुष्पा सॉन्ग से, ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और या अल्लू अर्जुन ने अच्छा सा भाई सेलिब्रेशन है वो किया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर भाई। कल यहाँ पे एक और हमें ऐड है वो देखने को मिला, कल की 2898 AD मेकर्स के द्वारा। कल भाई प्रवास क्या बोल रहे थे भाई ऐड में, चलो देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि हर गेम करेगा अब मैटर। देखो भाई अभी सेमीफाइनल मैचेस चल रहे हैं IPL के, तो ऑब्वियसली बात है अब हर गेम भाई मैटर करेगा ही करेगा। आप मैच हारोगे तो सीधा भाई बाहर हो जाओगे, नेक्स्ट फिर वर्ल्ड कप की तैयारी करो, ठीक है। हर गेम करेगा मैटर, या ये प्ले ऑफ है या इन या आउट। जी हाँ, जो फर्स्ट हाफ सेमीफाइनल मैचेस होंगे दोनों टीम को भाई दो दो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो हारेगी उसको एक साथ एक मैच उसको और खेलना पड़ेगा, मतलब कि जीतने के लिए। एंड जो सेकंड क्वालिफाई मैचेस होगा उसमें तो जो मैच जीतेगी टीम वो अगेन जो हारी हुई टीम है उससे मैच खेलेगी एंड फिर जाके वो विन करेगी, फिर जाके वो फाइनल में जाएगी। हाँ दिक्कत तो है, ये सिर्फ गेम नहीं ये महायुद्ध है। अरे भाई ये IPL है यार, महायुद्ध का है, महायुद्ध भाई वर्ल्ड कप में होगा। ये IPL को यार थोड़ा नॉर्मली लेना चाहिए, ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। एंड इस ट्रॉफी के लिए कल के लिए आज खेलो, अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो देखा जाए भाई ऐड अच्छा था नो डाउट, और मेकर्स भाई प्रमोशन कर रहे थे। आज के टाइम देखोगे आप क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, इंडिया हो या फिर ओवरसीज सम कंट्रीज क्यों ना हो, तो यही एक रीज़न भी आप मेकर्स अच्छा खासा प्रमोशन कर रहे हैं। इवन कमल हसन स्पेशली वार यहाँ पे मुंबई आए थे भाई स्टार स्पोर्ट्स के साथ, उन्होंने ये इंडियन 2 इंडियन 3 का कन्फर्म डेट बताया। इंडियन 3 कब तक आ रही है, मैं तो ये आपसे को काफ़ी पहले ही बता चुका था कि भाई इंडियन 2 इंडियन 3 के बीच में इतना ज़्यादा गैप नहीं रहने वाला है, दोनों मूवीज एक ईयर के अंदर अंदर ही आएंगी। फिलहाल कमल हसन ने भाई ये कन्फर्म है वो कर दिया, चलो उनका छोड़ो फिलहाल, हम बात कर रहे हैं भाई कल की 2898 AD की। तो ये कल की कुछ ऐड थी, तो ये देखा अच्छा लगा, चलो भाई मेकर्स प्रमोशन कर रहे हैं। और हमें भाई अभी सिर्फ ऑनलाइन नहीं, अभी ऑफलाइन प्रमोशन भी चाहिए, और कब तक करते हैं मेकर्स अभी ये देखना दिलचस्प होगा। नेक्स्ट इंडियन 2 की भाई ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। जी गाइस, इंडियन 2 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कब तक ये आएगी। मेकर्स ने भाई डेट मेंशन किया है 12th of July। जी गाइस, 12 जुलाई को इंडियन 2 सिनेमाघरों में दस्तक है वो देगी। और मैंने यही न्यूज़ आसोई को 3-4 दिन पहले कन्फर्म कर दिया था कि भाई इंडियन 2 है, मेकर्स के माइंड में भाई डेट है कि वो 12 जुलाई को ही लाएंगे। पहले 17 को चांसेस थे 60-70%, वो भी मैंने ही कन्फर्म किया था। नेक्स्ट वीक 4-5 दिन पहले, आज से 4-5 दिन पहले मैंने कन्फर्म कर दिया था कि 12 जुलाई को ही आएगी यहाँ पे इंडियन 2। अभी वेट करते हैं मेकर्स कब तक ये ऑफिशियली कर दे। और कल वो दिन था कि मेकर्स ने कल शाम को ऑफिशियली पोस्टर दिया और ये कन्फर्म कर दिया कि भाई हम 12 जुलाई को आएंगे। अरे अब क्या होगा, आई एम नॉट हैप्पी यार। देखो अभी ढाई मंथ ऑलमोस्ट खाली गए हैं, थिएटर टोटल ऑफ ठंडे गए हैं ठंडे, यहाँ पे कई सारे ऐसे थिएटर पर टोटल ऑफ बंद हो चुके हैं। एंड वो जब ये मूवीज़ आएंगी तभी वो ओपन करेंगे। और अभी देखो 27 तो आ रही है यहाँ पे कल की, 5 को अजय देवगन की क्या नाम है औरों में कहाँ दम था, 12 को सरफिरा भी आएगी अक्षय कुमार की, और इंडियन 2 भी आएगी, और क्या नाम है
बेदा भी आएगी यहाँ पे जॉन अब्राहम की, और दो मूवीज और भी आ रही है, एक धर्मा प्रोडक्शन की और एक जानवी कपूर की। मतलब टोटल ऑफ कितनी होगी, 7, हाँ 6-7 है कुछ जो मैंने आपसे नाम बताया। मतलब 16 दिनों के अंदर, ऑलमोस्ट 15 से लेकर 16 दिनों के अंदर अंदर टोटल ऑफ 7 मूवीज आने वाली हैं। क्या ये सही है भाई? इससे पहले 2.5 मंथ के अंदर हम भाई कुछ भी नहीं था देखने के लिए, कुछ भी नहीं था। एंड यस्ट अभी 15-16 डेज के अंदर अंदर 15-16 प्रोजेक्ट आने वाले, उसमें से भाई कल की टूट नाइट एक ह्यूज प्रोजेक्ट है, और बड़ी यार बजट देखो कितना ज़्यादा है। यहाँ पर यार कल्कि को एक मत भाई फ्री रन मिलना चाहिए था यार, ये डिजर्व करती थी मूवी, बट अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे कल्कि के मेकर्स को पता होता ना कि वो इंडियन 2 आगे जाएगी, उसके बाद 12 को आएंगे वो यार कभी नहीं आते 27 जून को। इसलिए बेटर तो भाई 14 जून था यार, 13-14 जून को आ जाते, 13 को काफ़ी अच्छा डेट था वो। चलो अभी हो गया, सो हो गया, अभी शोज भाई डिवाइड हो जाएंगे। जस्ट 2 वीक्स के बाद इंडियन 2 यार, वो भी एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ऊपर से गाइस वो एक सीक्वल है, और अजय देवगन भाई इतने बड़े स्टार है, 5 जुलाई को वो भी आ जाएंगे। जस्ट 1 वीक गैप, ऐसा काम तो नहीं चलेगा। अब थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र है, वो आ रही हैं, लेट्स सी, देखते हैं, इंतज़ार रहेगा भाई। इंडियन 2 मेकर्स भाई उनको भी पता है, वो अगर 13-14 को आते जून की बात कर रहे हैं, तो उनको पता कि 27 जून को भाई कल्कि पूरे शोज ले लेती, एंड आगे अब वो आगे चले गए तो भाई उनके शोज जाएंगे। बट अभी कल्कि के मेकर्स भाई कुछ भी नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी 3-4 बार भाई पिक्चर अपनी पोस्टपोन कर चुकी हैं, ऑलरेडी भाई हाइप गिर जाता है बार बार पोस्टपोन करने से। इसमें भाई आप सभी का क्या कहना है मुझे नीचे भाई कमेंट सेक्शन में बताना। और वैसे ही मेकर्स ने जो अभी पीछे अभी किया है कि यार इलेक्शन चल रही है तो कोई मूवी रिलीज ना करना भाई, 19 का याद करो थोड़ा, एवेंजर्स एंड गेम मूवी आई थी हॉलीवुड की, इंडिया में ऑलमोस्ट 350 करोड़ से भाई ज़्यादा बिजनेस किया था, वो भी इलेक्शन का टाइम था भाई, तो वो कैसे बिजनेस निकाल दिया यार। इतना भी इलेक्शन से डरने की जरूरत नहीं, आप इजीली मूवी ला सकते हो, बेस्ट एग्जांपल पड़ी है आपके पास एवेंजर्स एंड गेम यार, क्या बिजनेस किया था, वो तो प्रमोशन तक नहीं करते इंडिया में, प्रमोशन बिल्कुल ना के बराबर रहता है, विदाउट एनी प्रमोशन नंबर देखो भाई, आप ही आ सकते थे कोई एनी मूवी। चलो कल की नहीं, जो मई मूवी थी, मई में आ रहे थे ये, तो दिन 2 या फिर 3 दिन के बाद आफ्टर एपी तेलंगाना में इलेक्शन थे, तो वहाँ पे आना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ज़्यादातर साउथ के मूवीज़ एपी तेलंगाना मतलब तेलुगु की बात कर रहे हैं, तो उनका वहाँ से ही बिजनेस आता है। बाकी अनदर की बात कर रहे हैं भाई, वो इजिली आ सकते थे भाई, आप फिर आगे क्यों गए? यहाँ भाई वेंचर्स हैंड गेम को देखो भाई, आपको मतलब सोलो मिल जाता पूरा का पूरा, मार्च के बाद तो पूरा थिएटर भाई खाली पड़ा है, वेरी बैड डिसीजन है यार। चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे इसमें आप सभी का भाई क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी 22 तारीख को भाई यहाँ पे भूजी आ रही है, तो इंतज़ार रहेगा, बड़ा सा भाई इवेंट भी है, एंड उम्मीद भी करते हैं कि मेकर्स अच्छा खासा प्रमोशन भी करेंगे। लेट्स सी गाइस, देखते हैं भाई फैंस के अंदर कितने ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें दिखाई देती है, ये तो हमें 22 तारीख को ही पता चलेगा। भाई टीजर ट्रेलर भाई जल्दी से लाओ, और नॉर्थ अमेरिका भाई सलार का हाइप मेरे ख्याल में ज़्यादा था 35-40 दिन पहले रहते। जी हाँ गाइस, नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, या फिर नॉर्थ अमेरिका क्यों ना हो, नॉर्थ अमेरिका में हमें अब तक पता नहीं है कि कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हम चाहेंगे कि भाई क्या नाम है, पृथ्यांगिरा सिनेमा ही भाई डिस्ट्रीब्यूट करे, वो काफ़ी अच्छे खासे भाई शोज़ लेने में कामयाब हो जाता है, और वैसे पुष्पा 2 वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम चाहेंगे भाई राइट्स उसके पास ही जाए। लेट्स सी गाइस, अब देखना ये दिलचस्प होगा, और 30 से लेकर 35 दिन पहले रहते लिमिटेड भाई इनको एडवांस ओपन कर लेना चाहिए नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अब तो बाकी गाइस सभी के लिए इतना।